चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और बेटा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग आज देखा जाएगा ना वो स्ट्रेट तथा कॉलम को देखा जाएगा। स्ट्रेट का स्ट्रेट ही होता है हिंदी और कॉलम का बेटा स्तंभ बोलते हैं, ये दिमाग में एक बैठा लेके रखिएगा पिलर। अब इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे। बेटा जो इसको क्लासिफाई करेंगे वो स्ट्रक्चर के हेल्प से करेंगे, स्ट्रक्चर जिसको संरचना बोलते हैं। अब बेटा देखिएगा कि कोई भी संरचना है कोई स्ट्रक्चर उसका तीन केस हो सकता है बेटा। वो वर्टिकल हो सकता है जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हम लोग, और दूसरा ये स्ट्रक्चर आपका हॉरिजेंटल होगा हो सकता है जिसको बोलते हैं बेटा क्षैतिज। तीसरा केस हो जाता है वो किसी औनत पर हो, किसी कोण पर है, या फिर इसको कुछ एंगल से बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का तीन केस हो सकता है बेटा, एक तो स्ट्रक्चर आपका वर्टिकल हो सकता है, एक स्ट्रक्चर आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक स्ट्रक्चर आपका इंक्लाइन हो सकता है। इसको एक विथ एंगल कह सकते हैं या इसको इंक्लाइन कह सकते हैं, इंक्लाइन हो सकता है। और उसके बाद का जो केस है बेटा ना इस पर जो फोर्स लगे ना उसमें सारा लगना चाहिए आपका कंप्रेसिव नेचर का, ठीक। और ये जो बताया जा रहा है बेटा स्ट्रेट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे डिफिनेशन देंगे? मैं कहूंगा एक ऐसा संरचना जो किसी भी पोजीशन में हो, वो वर्टिकल में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है, इंक्लाइंड में भी हो सकता है। तो एक ऐसी संरचना जो किसी भी पोजीशन में हो और उस पर लोड कैसा लगे बेटा, कंप्रेसिव लोड लगे, तो ऐसा संरचना बोलूंगा स्ट्रेट, ठीक है। सेकेंड हम लोग कॉलम देख लेंगे कि कॉलम क्या होता है बेटा। तो जो कॉलम होता है इसमें संरचना का वर्टिकल होना मस्ट होता है बेटा, मस्ट माने जरूरी होता है, वर्टिकल ही हो सकता है। जैसे मैंने स्ट्रेस में देखा, स्ट्रेट में देखा, मैंने संरचना आपका वर्टिकल भी था, हॉरिजॉन्टल भी था और इंक्लाइन, तीनों था, कुछ भी हो सकता है, बट कॉलम में ऐसा सिचुएशन नहीं है। कॉलम में सिर्फ वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ इसमें वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो बेटा लोड लगता है ना इसमें भी कंप्रेसिव लगा था, इसमें भी कंप्रेसिव लगा है। तो बेटा एक अगर ऊर्ध्वाधर संरचना पे कंप्रेसिव लोड लगता है या संपीडन लोड लगता है तो वो कॉलम के अंतर्गत आता है। लेकिन आपके पास अगर कोई संरचना वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, इंक्लाइंड भी है, तीनों में से कोई भी है, ठीक है, या फिर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो स्ट्रट है। तो स्ट्रट किसी भी पोजीशन में हो सकता है लेकिन कॉलम आपका वर्टिकल पोजीशन में बहुत होना मस्ट है, ये आप समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, बिकॉज स्टूडेंट जो है ना वो बड़ा फॉल्ट करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है कि एक एक किसी पोजीशन में स्ट्रक्चर है तो बताओ भैया और उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, वो स्ट्रट है या कॉलम है, तो लोग मार देते हैं स्ट्रट कॉलम में, कंफ्यूज होकर कोई दिख मार देते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि जब स्ट्रट आप कोई पोजिशन का स्ट्रक्चर बोल देगा तो आप स्ट्रट मार के चले जाइएगा, लेकिन अगर वो आपका ऊर्ध्वाधर स्ट्रक्चर बोलेगा तो आप कॉलम मार के चले जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कॉलम में बेटा वर्टिकल होना मस्ट है लेकिन आपके स्ट्रेट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन होना मस्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये ध्यान दीजिए।